कई अलाइयों में बैठ गए, एक भी बात की दुकान सामने जगह दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मीट के बड़े शौकीन हैं, तो मुझे आप लोगों को ये बात बतानी है कि अब मीट खाना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला है। जी हाँ, भाजपा के एक नेता ने ये साफ कर दिया है कि अब उनके इलाके में मीट पूरी तरीके से बैन होने वाला है। नमस्कार, मैं शालिनी जौहर, आप देख रहे हैं डेली हिंद। सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने एक बार फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी है। हमने ये तो देखा ही है कि किस तरीके से भाजपा के नेता धमकियां देते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं, शर्मनाक बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन इसी बीच लोनी से विधायक बने नंद किशोर गुज्जर ने ये कहा है कि उनके इलाके में मीट जो है अब नहीं मिलेगा, नहीं बनने देंगे वो, नाम मीट की अब बिक्री होगी। यानी कि लोनी में रहने वाले लोगों के लिए अब मीट खाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। अब भाजपा के नेता तो ये डिसाइड कर ही चुके हैं कि किसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सब चीज़ें तो अभी चल ही रहा था इन चीज़ों का दौर की। इसी बीच नंदकिशोर गुज्जर ने सामने आकर ये कह दिया है कि वो पूरी तरीके से मीट पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ और बोले, पहले आप ये वीडियो देखिए। और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान सामने जगह दिखाई दी। वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया और सुन लिया क्या कहना है नंद किशोर गुज्जर का। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि मीट जो है वो बैन होने वाला है लोनी में, और लोनी के लोगों के लिए मीट खाना अब बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भाजपा के नेता बार बार कहते हैं कि बीफ की बिक्री में कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, कमी नहीं आने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ नंदकिशोर गुज्जर जो है वो कह रहे हैं कि मांस नहीं खाने देंगे। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मथुरा में जो है बीफ जो है, बीफ गाय या फिर मांस मछली पूरी तरीके से बैन होगा, वहां पर लोग नहीं खा पाएंगे। तो अब खाना पहनना या फिर सांस लेना भी अगर कहें कि भाजपा के नेता डिसाइड करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में देखा था कि हिजाब के मुद्दे पर किस तरीके से भाजपा के नेताओं ने आकर बयान दिया था, लोगों के कपड़ों पर सवाल उठाना तो ये कभी नहीं भूलते, अब लोगों के खाने पर भी ये सवाल उठाने लगे हैं और उनके खाने पर भी प्रतिबंध लगाने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरीके से भाजपा के नेता गोवा में कहते हैं कि बीफ की बिक्री होगी पूरी तरीके से, पर्यटकों को उसमें कोई कमी नहीं नजर आएगी, पूरी तरीके से जो है खाने को मिलेगा, तो वहीं असम में भाजपा के नेता कहते हैं कि बीफ बेहतर है, गाय का मांस खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, तो उत्तर प्रदेश में गाय और मांस खाना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, जिस पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर क्यों आपके भाजपा के नेता कई बार ये कहते हैं कि मीट खाइए, शरीर को बेहतर बनाइए, दूसरी तरफ भाजपा के नेता उसी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये किस तरीके का दोहरा रवैया है? आप क्या खाने पर भी लोगों के अब सवाल उठाएंगे क्या? पहनने पर तो भाजपा के नेता सवाल उठाते ही रहे हैं, अब खाने को लेकर भी ये सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, हम खाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ है जब भाजपा के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो मीट या मांस को लेकर। तमाम बड़े नेता सामने आकर कहते रहे हैं कि हम अपने देश में जो है गाय या बीफ की जो है वो मीटों को हम बैन करेंगे, पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, इस देश में खाने नहीं दिया जाएगा। तो वही भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बीफ खाना चाहिए, मांस मछली खाना चाहिए, जिससे कि सेहत बेहतर होती है। मतलब समझने की बात है ये कि दोहरा रवैया क्यों इस तरीके का भाजपा के नेताओं का बार बार सामने आता रहा है।
धमकियां तो इनके राज में बहुत ही छोटी सी बात है। अगर आप भाजपा के नेताओं को वोट नहीं देते हैं तो बुलडोजर चलाने की धमकियां देते हैं, भाजपा के नेताओं को आप वोट नहीं देंगे तो आप नाजायज औलाद कहलाएंगे, हिजाब पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप देश के विरुद्ध हो गए हैं, हिजाब अगर आप पहन रहे हैं तो आपने क्यों पहना। हाल ही में एक महिला नेता थी भाजपा की, उन्होंने कहा था कि लड़कियों का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो नग्न बदन घूमती हैं, वो छोटे कपड़े पहनती हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता है। अब देखिए, छोटे कपड़ों पर तो सवाल भाजपा के नेता बार बार उठाते रहे हैं, चाहे वो लड़की शॉर्ट्स में घूमे, हिजाब में घूमे या फिर जीन्स में घूमे या साड़ी पर, भाजपा के नेता इस पर तो सवाल उठाते रहे हैं, एक मौका नहीं जाने देता कि किस तरीके से उन लोगों को जो है नीचा दिखाया जाए। महिलाओं की इज्जत की बातें करने वाले भाजपा के नेता बार बार महिलाओं की बेइज्जती करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। महिलाओं की तो इज्जत इनसे होती नहीं, वो तो खैर हम आप इनसे अब आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते क्योंकि महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान तो आपने इनके मुंह से कई बार सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से खाने को लेकर अब भाजपा के नेता प्रतिबंध लगाने पर उतारू हो गए हैं, कह रहे हैं कि मांस मछली बैन किया जाएगा, तो ये किस तरीके की राजनीति है। अगर आप सत्ता में आए हैं तो उन कामों पर ध्यान दीजिए ना जिसकी वजह से जनता आपको सत्ता में लाई है। आपने चुनाव से पहले ये तो नहीं कहा था जनता के बीच जाकर कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम मीट को बैन कर देंगे, हम मीट पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल मुस्लिम लोग ही मांस मछली खाते हैं, हिंदू लोग भी हैं जो पूरी तरीके से मीट खाते हैं। जय श्री राम का नारा दे रहे हैं बड़ी बेबाकी से और कह रहे हैं कि मीट बैन कर देंगे। खाने पर तो आप राजनीति करें, लोगों के मुद्दों पर, लोगों के बयान पर आप राजनीति करें। मुद्दे तो तमाम है ना, उन पर लड़िए ना, उन पर बात करिए ना। रोजगार पर आकर आप ये कहते हैं कि हम आए हैं तो हम रोजगार देंगे, हम आए हैं तो हम सड़कें बनवाएंगे, हम आए हैं तो हम हॉस्पिटल्स का जो है हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, हम आए हैं हम तो सड़कें बनवाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। लेकिन आते ही आपने एक बड़ा मुद्दा अपना लिया, अपनी जो है मनमानी शुरू कर दी, ये दिखा दिया कि हम सत्ता में आए हैं तो एक बार फिर से हमारी ही मनमानी चलेगी। सत्ता में आपको इसलिए लाया गया था कि आप जनता के बीच जाए, जनता के सुख दुख का सहारा बने, ना कि आप जनता के खाने पर और पहनावे पर या किसी भी चीज पर आप रोक लगा सके। सवाल यही उठता है कि बार बार जो भाजपा के नेता आकर तमाम मुद्दों को लेकर धमकियां देते हैं, आखिर ये कब तक चलने वाला है। सत्ता में इन्हें लाया गया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको ये सुने, उन जनता के बीच में गए थे तो इन्होंने तमाम बड़े वादे किए हैं। मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर इन्होंने तमाम बड़े वादे किए हैं। लेकिन सत्ता में आते ही इनके वादे जो हैं वो पूरी तरीके से वंचित नज़र आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं तो केवल धमकियाँ भरे बयान दे रहे हैं। आते हैं तो कहते हैं हम ये बैन कर देंगे, हम वो बैन कर देंगे। अगर आपको बैन ही करना था तो जिस वक्त आप चुनाव के दौरान वोट मांगने गए थे, जनता के बीच गए थे, अपनी मीठी मीठी बातें करते, उस वक्त आप ये क्यों नहीं कहते कि हम अगर आएंगे तो आपके खाने पर बैन लगाएंगे, हम अगर आएंगे तो आपकी सांस रोकने पर, हम अगर आए हैं तो सांस रोकेंगे आपकी। आपको इसलिए जनता सत्ता में लाती है क्या? आपको इसलिए जनता सत्ता में लाती है कि आप उनकी हर चीज पर सवाल उठाएं? अगर कोई इंसान वैसी चीज़ें करता है, अगर गलत करता है तो भाजपा के नेता उस पर तो बयानबाजी नहीं करते हैं? या आपके खुद के नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरीके से चुनाव से पहले टी राजा ने कहा था कि चुनाव में अगर भाजपा को वोट नहीं दिया गया तो बुलडोजर चला जाएंगे, उन पर क्यों नहीं कार्यवाही की भाजपा के नेता ने सत्ता में आते ही? या रघुवंश राठौड़ पर क्यों नहीं कार्यवाही की गई जो वो कह रहे थे कि नाजायज औलाद है जो भाजपा को वोट नहीं देगा? इन सभी बड़े बयानबाजियों को तो आप साइड रख देते हैं, इनको आप नजरअंदाज कर देते हैं कि भाजपा के नेता तो जो कहेंगे वो बिल्कुल एक पत्थर की लकीर है जिसे जनता को मानना ही पड़ेगा। जनाब, अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता की वजह से आए हैं, और अगर जनता की चीजों पर आप सवाल उठाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये सत्ता की जो कुर्सी है आपके हाथों से जल्द ही जो है वो निकल जाए। खुश तो आप बहुत हुए होंगे क्योंकि सत्ता तो आपके हाथ में आ ही गई होगी,
और सत्ता के आने से ही, इसलिए तो आपने आते ही जो है आपको दोबारा कुर्सी मिली और आपने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से जनता का जो है वो खून चूसा जाए, जनता को एक बार फिर से परेशान किया जाए। इसलिए आपने ये जो है छोटे मोटे मुद्दे उठाकर जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे भड़काव बयान दे रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। भाजपा के उन नेताओं से वीडियो समाप्त करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि सर, तमाम बड़े मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है उस पर बात कीजिए, महिला सुरक्षित नहीं है उस पर बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम या राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दीजिए, केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर बात ना करिए। नंद किशोर गुज्जर के इस फैसले पर आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली हिंद को देखते रहें। धन्यवाद।